आज 21 मार्च को जनपद प्रयागराज में जो अधिवक्ता श्री उमेश पाल और दो सुरक्षाकर्मी जो पुलिसकर्मी थे उनकी जो हत्या हुई थी उससे संबंधित जो विवेचना चल रही है उसके क्रम में आज जो है वो 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इन 5 व्यक्तियों के नाम हैं नियाज अहमद, ये धूमनगंज प्रयागराज के हैं, मोहम्मद सजर धूमनगंज प्रयागराज, सजर कैश अहमद धूमनगंज प्रयागराज, राकेश कुमार कौशाम्बी पश्चिम शरीरा थाना के हैं, मोहम्मद अरशद खान उर्फ अरशद कटरा करनलगंज प्रयागराज। जो रिकवरी हुई है इनसे संबंधित वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनसे 5 पिस्टल मिली है, 1 पिस्टल है कोल्ट 45, 4 पिस्टल 32 बोर, 3 तमंचा 315 बोर, 2 तमंचा 312 बोर, टोटल 5 तमंचा, 5 पिस्टल 5 तमंचा और 1 मैगजीन कोल्ट 45 ऑटो, 10 की कैपेसिटी वाली ये मैगजीन है, ये इनके पास से बरामद हुई है। जो एमिनेशन इनके पास से बरामद हुआ है वो टोटल एमिनेशन 112 है, जैसे 32 बोर, 45, 315, 330, 12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 6 मोबाइल्स हैं जो इनके पास से बरामद हुए हैं और 5 अभियुक्तों की जो अलग अलग जामा तलाशी है, इस जामा तलाशी में इनके पास से जो मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं इसके साथ साथ इन अभियुक्तों से अलग अलग जामा तलाशी में जो टोटल कैश है वो 2,25,000 इनके पास से मिला है। इनमें से 2 अभियुक्तों की निशानदेही पे जो अभी आपने देखा है अभियुक्त अतीक के अहमद के जो कार्यालय से बरामदगी हुई है वो 72,37,000 ये प्रिलिमिनरी काउंटिंग में है। इस प्रकार से अगर जामा तलाशी और बरामदगी अलग अलग जो चीज़ है उसको हम जोड़ दें तो जोड़ने पे टोटल 74,62,000 की रिकवरी हुई है। ये अभी प्रिलिमिनरी मैंने रिकवरीज और गिरफ्तारी बता दी हूँ। अलग अलग मैं व्यक्तियों के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। नियाज अहमद जो अभी बिल्कुल प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है कि जो आपसे शेयर कर सकते हैं वो ये है कि नियाज अहमद जो है उसको असद ने फ़ोन पर इंटरनेट के माध्यम से अभियुक्त अतीक और अभियुक्त अशरफ से बात करवाई थी। नियाज को रेकी का काम सौंपा गया था। नियाज को कचहरी से श्री उमेश पाल और गनर्स का घर तक पीछा करने की रेकी का काम दिया गया था, अभी जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन में बताया है। जो इस मर्डर्स के संबंधित में आपराधिक साजिश की कई बैठकें हुई हैं, जो बैठकें अतीक के घर पर हुई थी उन मीटिंगों में ये शामिल था। इसके पास से एक फ़ोन बरामद हुआ है जिसके संबंध में अभी अग्रिम छानबीन की जा रही है। मोहम्मद सजर है, ये जयंतीपुर सुलेम सराय का रहने वाला है और श्री उमेश पाल के घर के पास में रहता है। इसको असद ने अपने घर पर बुलाकर एक आईफोन दिया था और उस आईफोन में कुछ कॉन्टैक्ट्स पहले से सेव थे। इस फोन पर इंटरनेट के माध्यम से अतीक, अशरफ, असद आदि से उमेश पाल की लोकेशन लेने का कार्य इनसे सौंपा गया था। अभी अभी जो प्रिलिमिनरी पता लगा है उसमें ये श्री उमेश पाल की गाड़ी के आने और जाने की सूचना देने का कार्य कर रहे थे। तीसरा व्यक्ति जो पकड़ा गया है उसका नाम है अरशद कटरा उर्फ अरशद खान। ये श्री उमेश पाल एवं जो दो पुलिसकर्मी, दो सुरक्षाकर्मी थे उनके जो मर्डर की साजिश थी उनकी बैठकों में ये शामिल था। अभी इससे और विस्तृत जानकारी और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जिन दो अभियुक्तों की निशानदेही पे ये कैश और असलाह बरामद हुआ है इनमें से एक है कैश अहमद। कैश अहमद लगभग 16 साल से
अभियुक्त अतीक अहमद और उसके परिवार में ड्राइवर का कार्य कर रहा है। घटना के बाद में असला और कैश अतीक, अशरफ, शाइस्ता, असद आदि के निर्देश पे छुपाने का कार्य जो था इसको साथ में सौंपा गया था नवनीत के। आज इसकी ही निशानदेही पे कैश इसकी और कैश अहमद की निशानदेही पर ही असला और कैश बरामद हुआ है। विस्तृत पूछताछ अभी हम इससे कर रहे हैं, अभी डिटेल इंक्वायरी की जा रही है। उर्फ लाला ये अतीक अहमद के परिवार में घर के कार्य और मुंशी का काम पिछले 19 साल से कर रहा है। घटना के बाद में अभी जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है, घटना के बाद में असला व कैश अतीक, अशरफ, शाइस्ता, असद आदि के निर्देश पर छुपाने का कार्य इसको था। इसकी और जो ड्राइवर कैश अहमद है उसकी निशानदेही पे असला और कैश बरामद आज इसने करवाया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आज इन पांचों व्यक्तियों की गिरफ्तारी जो है वो थाना धूमनगंज क्षेत्र से हुई है। ये जयरामपुर क्षेत्र जो है वहाँ से स्टेशन के बीच के रास्ते में इनकी गिरफ्तारी की गई और इनके पास से ये बरामदगियाँ की गई हैं। ये प्रारंभिक सूचना है जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं। ये अभी विस्तृत जानकारी, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी आज ही हुई है, अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अगर कोई शेयर करने लायक कोई इन्फॉर्मेशन होगी जो विवेचना या जो उससे संबंधित विधिक कार्रवाइयाँ हैं उन पर प्रभाव डाले बिना अगर हम आपसे कोई चीज़ शेयर कर सकते हैं तो वो समय पे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मतलब ये असल ही पूरे योजना का मुख्य केंद्रबिंदु। अभी क्योंकि इनसे विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं तो एट दिस स्टेज मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, अभी और विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं और विस्तृत पूछताछ के बाद में हम आपको और डिटेल्स बताएंगे। अभी मैंने आपके संग में जितनी ये गिरफ्तारियाँ हैं, बरामदगियाँ हैं और जो और डिटेल्स हैं वो आप सबके साथ शेयर किए हैं। राकेश भी फरार था, घटना के बाद जो मुंशी है लेकिन फरार था राकेश भी जी, आज गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, ये राकेश सोनू नहीं, किसी का उपनाम या नाम सोनू। सर, असद, असद और बाकी के शूटर जो भी फरार हैं क्या वो इंडिया में हैं? मैं इस समय ऑपरेशनल चीजों पे प्रभाव डालने वाली कोई चीज आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। ये कैश का मोटिव क्या होगा, इतना कैश लगा? अभी पूछताछ कर रहे हैं हम इस संबंध में, क्योंकि जस्ट अभी रिकवरी हुई है। If we can share without jeopardizing the investigation or the operations, संबंधित जो विधिक कार्रवाइयाँ हैं, then we'll definitely share it with you. Firing इन्हीं हथियारों से हुई थी सर? अभी कहा नहीं जा सकता। अभी अभी we are doing the further details. अभी वो पांचों व्यक्ति हम खड़े करते रहे हैं। सर, जो ये कैश इस गड्ढार में रखा गया था उसके पीछे कोई जानकारी? अभी इनकी निशानदेही से बरामद की हुई है, फर्दर विस्तृत पूछताछ अभी हम करेंगे। बिकॉज अभी आप लोग वहाँ पे थे तो जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन विद इन फ्यू आवर्स हमारे पास है वहाँ पांचों व्यक्ति आ गए। अभी यहाँ पे क्योंकि अभी आपके माइक्स रखे हुए हैं तो वी कुड नॉट दीज थिंग्स है, वो जो रिकवरी वाली वो नीचे रखेंगे तो आप वहाँ पे इतना राकेश कौन है? सबकी हाजिरी हो गई? राकेश अपनी अगर आप माइक हटा ले तो यहाँ पे वो रख के आप रखवा देंगे, आप हटा लें उसको बाद में रखवा। अगर आप लोग एक मिनट माइक हटा देंगे तो जो सीट में डिब्बे हैं वो हम यहाँ रख देंगे।